तो मेरे भाइयों, क्या हाल है, खैरियत से हैं? मेरा नाम अदनान रज़ा ख़ान है। और जनाब, बात यह है कि एक दौर में फ़िल्टर आया था प्रिज्मा के नाम से। इस तक के बहुत सारे फ़िल्टर्स आते रहे वक्तन फ़वक्तन ना। तो मैं कहता हूँ कि मैंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, मतलब पोस्ट की हैं, तफरी भी की ये, और उनमें से कुछ चोल भी मारी होगी, मगर मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई फ़िल्टर अपने फेस पे या फ़ोटो पे अप्लाई किया हो। ये वजह यह है कि मेरे भाई, अल्लाह पाक ने कुदरती हुस्न दिया है, कुदरती जैसे चेहरा है उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए ना। अब आजकल जो है वो AI का दौर है और जगह जगह नमूने नज़र आ रहे हैं, माजरत के साथ, वो जो है अपने फेस पे जो है वो फ़िल्टर लगा रहे हैं AI का, और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो भाई, बात यह कि अल्लाह पाक ने आपको खूबसूरती दी है, जो जैसा है वैसा है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अपने से कम तर को देखें कि भाई उसका क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र कि मुझे अल्लाह पाक ने लाखों करोड़ों लोगों से अच्छा बनाया है। उसके बाद भाई, मर्दों में 50% मर्दों में भी ये बीमारी आ गई है, कि बल्कि हो सकता है ज़्यादा ही हो, कि भाई सैलून में अगर आप जाएंगे, जो कि नाई की दुकान किसी दौर में हजाम की दुकान होती थी, जहाँ पर गर्म हमाम होते थे, अब वो बड़े बड़े सैलून में कन्वर्ट हो गए ना। तो जिससे जैसे जिद्दत आई है उसी तरह करते करते चले गए। अच्छा, एक सैलून में मेरा जाना हुआ ना, वो बड़ा सैलून था नॉर्थ अहमदाबाद में, वहाँ पर मैं गया तो बकायदा भाई मेन्यू बना के रखा हुआ है, मेन्यू आपको पेश किया जाएगा कि भाई ये चीज़ें इसकी जो है आपकी इतने चार्जेस है, इस पैकेज का आप ये करवा लें, इतने चार्जेस हैं। भाई हम तो जाते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाल कटवाने होते हैं और खत बनवानी होती है भाई। जब इतनी दाढ़ी नहीं थी तो क्लीन शेव करवाते थे, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करवाया। मगर कहने की बात यह है कि भाई, अब देखते हैं कि लड़के भी थ्रेडिंग करवा रहे होते हैं, लड़के भी जो है वो आइस ब्रोस वगैरह ये सब चीज़ें बना रहे होते, वैक्सिंग वगैरह करवा रहे होते, हद तक के लिपस्टिक तक भी लगा रहे होते हैं ना। तो भाई, क्या ये आपकी मर्दाना वजाहत जो अल्लाह पाक ने जो आपको अता की भी है, उससे आप क्यों अड़ रहे हो? भाई हम तो भाई बोलते हैं कि नाई को ये बाल काट, खत बना, सही ना, उसके बाद पानी के छिड़काव मार के हल्की सी तिब्बत सुनो या ओमेगा सुनो जो आती है वो लगा कर फारिग कर, भाई इतना टाइम नहीं है अपने पास कि जाके वो करें। तो ये चीज़ होती है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।